हेलो, पिंक कंसेप्ट की भुक्कड़ घुमक्कड़ सीरीज़ में आज आपका स्वागत है। ये सीरीज़ बड़ी अद्भुत है। हम घूमते रहेंगे, भूखे रहेंगे। भूखा आदमी क्या करता है? खाना ढूंढता है, कुछ अच्छी चीज़ खाने की, पसंदीदा स्पाइसी चीज़ खाने की ढूंढता है। और शायद जितनी मुझे भूख लगी होगी, शायद ये सीरीज़ देख के आपको भी भूख लगेगी। आज जहाँ हम घूम रहे हैं, जहाँ भूखा व्यक्ति कुछ खाने की तलाश करेगा, और क्या मिलता है उस भूखे आदमी को, भुक्कड़ आदमी को क्या मिलता है या नहीं मिलता है, उस जगह के बारे में बताओ। देखिए, आप चारों तरफ हरियाली हैं और इस तरह की घटा है जयपुर में। आप उम्मीद कर सकते हैं ये कहाँ पर खड़ा है भुक्कड़ घुमक्कड़, कौन सी जगह पर हैं? बता सकते हैं जयपुर के बीचों बीच की जगह हैं। शायद मुझे लगता है जयपुर के बहुत सारे लोगों को अभी भी ध्यान नहीं है कि हमारे जयपुर को एक बहुत बड़ी सौगात मिल चुकी है। निर्माण की शुरुआत में तैयारियां हैं, पास में काम चल रहा है, बहुत सारे लेबरर घूम रहे हैं, टेक्निकल इंजीनियर्स घूम रहे हैं, और एक विश्व के इतनी बड़ी प्रोजेक्ट के पर खड़े हैं हम जयपुर के अंदर, जो हमारे लिए बहुत बड़ी सुकून भरी जगह होगी। जयपुर के लिए बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, कर्पूरचंद कुलिस स्मृति वन बना हुआ है, और भी फाउंटेन्स वाले बने हुए, बहुत सारे पार्क बने हुए, सेंट्रल पार्क वगैरह भी बना हुआ है। लेकिन जो ये जगह है, ये अपने आप में बड़ी अनोखी है, अद्भुत है। भुक्कड़ घुमक्कड़ उसी जगह आए हैं। शायद अब तो आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ पर हैं। नहीं चला? हाँ, आपको चला है, बिल्कुल चला है आपको। मैं बताता हूँ, ये हैं हम आज जहाँ खड़े हैं। ये द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट हैं, जो बहुत सारे जयपुर वालों ने, कुछ लोगों ने देख चुके हैं और कुछ लोग देखने वाले। देखिए आपके सामने, देखिए हमारे कुछ स्कूल से स्टूडेंट हैं, शायद बंक करके आए, स्कूल का टाइम है, लेकिन फिर भी घूमने आए हैं। वो देखिए वहाँ पर भी आगे भी लोग कुछ घूम रहे हैं। आज मंडे का डे है, इसलिए कुछ लोग कम है, लेकिन संडे के दिन यहाँ पर बहुत सारी भीड़ रहती है। लोग शहर के बीचों बीच हरियाली का, वन का आनंद लेने के लिए इस जगह पर आते हैं। भुक्कड़ घुमक्कड़ भी आज अपनी टीम के साथ, पिंक कंसेप्ट की टीम के साथ यहाँ आया हुआ है। चलिए, भुक्कड़ घुमक्कड़ के साथ में मैं उस जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ भुक्कड़ की आज की यात्रा पूरी होने वाली है। यात्रा सुखद रहती है या भुक्कड़ आज भूखा ही रहेगा, मेरे साथ चलिए। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट का ये सबसे बड़ा जगह है, बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, बड़ी ऐतिहासिक जगह है। ये जो आप इतने बड़ी जो चीज़ देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़े पंप हाउस का व्हील है, जो ब्रिटिश काल में यहाँ बना था। जयपुर रियासत समय में, ब्रिटिश काल के समय में यहाँ पानी की सप्लाई होती थी। ये फॉरेन से, ब्रिटेन से लाए हुए एक व्हील है, जिसको प्रोजेक्ट के तहत सजा के पब्लिक के आकर्षण के लिए रखा हुआ है। और इस पूरे पंप हाउस को, जो जयपुर में जो पानी की सप्लाई होती थी, इस पूरे पंप हाउस जो पूरी तरह ख़राब हो चुका था, यूज़लेस हो चुका था, यहाँ की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उनको यहाँ पर सजा के रखा गया है। उसका यहाँ पर सामने आप एक म्यूजियम बनाया है। म्यूजियम में देख के हम पता कर सकते हैं पहले जयपुर के लिए पानी की कैसे सप्लाई होती थी, किन यंत्रों से पानी वहाँ पहुँचाया जाता था। और उसके पास ही भुक्कड़ की आज की यात्रा का समापन है। आगे चलते हैं। पंप हाउस, ये सारी चीज़ें मॉडर्न बनाई, लेकिन पुराने तरीक़ों से बनाई हुई हैं। यहाँ के जो पत्थर हैं, ये पत्थर भी बहुत बहुत कारीगरी से, पुराने तरीक़ों से मेंटेन करके बनाए गए हैं। ये भी एक उसी पंप हाउस का एक पार्ट है, उसी पंप का पार्ट है जिसको सजा के यहाँ एक फाउंटेन के बीच में रखा गया है। यहाँ सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ों को मॉडर्न तरीके से सजा के जगह को आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। यह है पंप हाउस, म्यूजियम एंड कैफेटेरियन, जहाँ भुक्कड़ घुमक्कड़ की सीरीज़ का आज समापन होगा। म्यूजियम में हम कुछ अच्छी चीज़ें देखेंगे, और उसके बाद में कैफेटेरियन में कुछ खाने की चीज़ भुक्कड़ आदमी ढूंढेगा। गार्ड साहब नमस्कार। साहब क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह जी। सुरेश सिंह जी, म्यूजियम कब से चालू हुआ है अपना यहाँ पर? म्यूजियम अभी 4 नवंबर से चालू हो चुका है। कितने लोग आते हैं यहाँ पर अभी देखने के लिए? कितने लोग आ रहे हैं अभी? तो पूरा खाली दिख रहा है, बाहर बैठे हैं, लोग नहीं हैं अभी। बहुत लोग आते हैं सर, आते छुट्टियों के दिन आते हैं। आज मंडे हैं इसलिए कम है, बाकी बहुत सारे लोग देखने आते हैं। इस सब चीज़ों में पुरातन, और कुछ चीज़ें मॉड्यूलर बना के भी रखी हुई है, कुछ चीज़ें पुरानी भी है, नई भी है। क्या आपको ये जानकारी भी है कि ये क्या क्या चीज़, अगर कोई अनजान आदमी आके आपसे पूछना चाहे तो आपको ये सब बताया भी गया है कि आप उनको गाइड करें, बताएं ऐसे कुछ, या सिर्फ जो लिखे हुए उसको देख के बताएं, वो पढ़ के समझे आदमी? पढ़े वो समझे वो सारी चीज़ को। आपका काम यहाँ की सुरक्षा करना, सिक्योरिटी सुरक्षा करना। सूर्य जी मंदिर आ सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। ये वो म्यूजियम है जहाँ पर जयपुर के लोग उस चीज़ को देखेंगे जहाँ पहले
पानी सप्लाई होता था, सिक्योरिटी पार करके हम अंदर आए हैं। देखिए मेरे से उठ सक, ये तो उठ जाएगा, ये है वो पाना जिससे उस समय पंप हाउस को रिपेयर करने में काम लेते। देखिए ये करीबन 1 किलो का होगा, ये बहुत भारी, 2 किलो का होगा, और ये तो ओहो ये करीबन 3 किलो का, इतना भारी चीज़ है। देखिए इन चीज़ों से हमारे पहले पंप हाउस की रिपेयरिंग की जाती थी। ये भी कोई उस पंप का पार्ट है, इस पंप को अंदर कुछ काम में लेने में ये लिया जाता था, कुछ वॉल्व वगैरह हैं। यहाँ पर पुराना जो पंप हाउस था उसकी दीवारों को ठीक करके, उसकी दीवारों को मेंटेन करके वापस पुराने स्वरूप में ला के वापस रखा गया है। पंप हाउस के जो पुराने जितने भी औजार थे, उपकरण थे, पंप के जो सामान थे, उनको अच्छा रंग करके, सुरक्षित करके, प्रिजर्व करके यहाँ जगह जगह रखा गया। देखिए ये भी कुछ पार्ट हैं, ये मुख्य पंप हाउस का मॉड्यूलर बनाए हुआ है जिसका अपन बाद में देखेंगे। पंप कैसे होता था पानी, यहाँ से ये स्टीमर से ये चलता था, इंजन चलता था, वहाँ रोलर है, स्टीमर से इंजन चलता था, भाप से यहाँ भाप बनती थी, भाप से ये नीचे आता था, नीचे आने के बाद में पानी पंप होता था, और इस पाइप के जरिए हमारे पूरे जयपुर वालों को पुराने समय में पानी मिलता था। ये भी उन्हीं पंप हाउस के पार्ट है, ये वाटर मोटर है, पानी की मोटर है। पहले ये मोटर ऐसी हुआ करती थी, ये इस तरह से मोटर हुआ करती थी जिससे पानी सप्लाई होता था। ये देखिए ये सब उस समय के पार्ट्स हैं, इतना बड़ा उसका कोई कवर है, हॉल है, और पूरे द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट के बारे में, इस पंप हाउस के बारे में सारी चीज़ें एग्जिबिट की गई हैं, बताई गई हैं, ताकि आके आदमी समझे, देखे परियोजना में क्या क्या काम हो रहे हैं, यहाँ पर पंप हाउस में क्या क्या हुआ है, पंप हाउस जब था, जब इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले कैसा, किस स्वरूप में था ये पंप हाउस, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये पंप हाउस कितना बैरन तरीके से था। अगर 2-5 साल अगर इसको ध्यान नहीं दिया जाता तो ये सब बिखर के, ये हमारी अमानत हमसे दूर हो जाती, जिसको संभाल के रखा गया है, बताया गया है हमारे लिए, हमारे लिए और हमारी पीढ़ियों के लिए, कि आज़ादी से पहले हमें किस तरह से शहर का पानी सप्लाई होता था। यदि पुरानी दीवार हैं, ये शेड्स हैं, ये इसका बर्ड आई व्यू है, ऊपर से लिया गया है, रिना व्यू है, ये पंप है, ये पुराना पंप है जो अपन ने अभी देखा है, ये इसके सारे पार्ट्स है, इस तरह से पड़ा था। ये देखिए यहाँ पर कोयला वगैरह से गर्म करते, ये भाप का ये सारा पार्ट, ये सब चीज़ें हैं पुरानी, उसके बाद में नया बनाया गया। और ये पूरा प्रोजेक्ट का भी जानकारी दी गई कि इस पूरे द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट का, जो पूरे जयपुर के करीबन काफ़ी बड़े रेंज को कवर करता है, वो कहाँ कहाँ जाती हैं, उसका पूरी पुरानी सारी सूचना है। ये भी पंप हाउस के पार्ट है, ये मोटर है, वाटर वाल्व्स हैं, ये पंप हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई, एग्जिबिट की गई, दिखाई गई है। कुछ ऐतिहासिक जानकारियाँ भी इस पंप हाउस में हमारे साथ में हैं। बुक्कड़ घुमक्कड़ अब आगे बढ़ता है और अपनी उस मंजिल की तरफ बढ़ता है जहाँ पर उसको कुछ खाने के मिलने की संभावना है, उम्मीद है। देखते बुक्कड़ घुमक्कड़ की वो उम्मीद जो खाने की जो है, पंप हाउस से सीधे हम बाहर निकलते हैं, यहाँ वापस वही पुरानी दीवार है, उसको वापस सजा के रखा गया है, नए तरीके से मॉडर्न तरीके से उसको मेंटेन किया गया है, थोड़ा सा बैठने की व्यवस्था रखी है। बिल्कुल पुराना और नए का एक संगम है ये प्रोजेक्ट, पुरानी नई चीज़ का संगम है, जहाँ पर हम कुछ दिख तो रहा है लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है कि मेरी वो ज़रूरत वहाँ पूरी होती है कि नहीं होती है। ये वही पुरानी दीवारें हैं, ये पुराना एकदम पुराने तरीके से, पुरातन तरीकों को मॉडर्न तरीके के साथ मिक्सअप करके एक कॉकटेल बनाया गया है। ये पंप हाउस का पुराना पार्ट है और इस पुराने पार्ट के साथ में गाने भी साथ में चल रहे हैं। ये पंप है जो पानी के लिए पंप होता था, ये इसी जगह पे था और इसी जगह वापस इसको रिनोवेट करके लगाया गया है, और पास में लगाई गई है चेयर्स, मेरे लिए चेयर्स लगी हुई है। आगे मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, और ये देखिए पूरा पंप, ये पूरा पंप हाउस है, इसके पार्ट्स हैं, इसकी पुरातनकालीन जानकारी इसमें मेंशन है, सारी चीज़ें एज इट इज़ रिनोवेट करके लगाई गई है।
इसकी दीवार को भी पुराने तरीके से वापस रिनोवेट किया गया है, ईंटों को ईंटों की तरह दिखाया गया है। इस स्टीमर के लिए यहाँ से कोयला और अंदर जाता था और गर्म करता था स्टीमर को, और यहाँ से भी स्टीमर से भाप बनती थी और आगे जाके इसमें पानी इस भाप के द्वारा पानी पंप होता था, सप्लाई होता था। देखिए लाइट की कितनी अच्छी व्यवस्था की गई, नई तरीके से लाइट को किस तरह से मॉडर्नाइज करके लगाया गया ताकि आपको फील गुड हो, अच्छा सुकून भरा महसूस हो। ये देखिए एक बॉयलर यहाँ, और देखते हैं आप मेन पंप हाउस का बॉयलर का मुंह इस सेक्शन में आता है। ये यहाँ से आग जलाई जाती थी ऊपर बॉयलर से, पानी ऊपर भाप जाती थी और फिर गर्म होकर फिर ऊपर चलता था। मेन पंप हाउस है उसका पार्ट है। और इस सब को रिनोवेट किया गया, मॉडर्न तरीके से बताया गया है। अब जहाँ बुक्कड़ गुमक्कड़ की यात्रा खत्म होती है, आप भी मेरे साथ हैं और देखते मेरे उस भाग्य का निर्धारण कैसे होता है, क्या बुक्कड़ को भूख की जो पूर्ति है वो यहाँ होती है या उसको अभी भी इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सब पुराने तरीके से बनी हुई चीज़ें हैं। आधुनिक अनुभूति कराने वाली चीज़ें, मैं यहाँ बैठता हूँ और कुछ उम्मीद करता हूँ। गार्ड साहब मेरी मदद करेंगे, एक बार इधर आएंगे। मैं घूमते घूमते थक गया हूँ, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? सर मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा दम नहीं। अभी नहीं मिलेगा, क्यों? अभी चालू नहीं हुआ। अच्छा, ये कैफे वाला पार्ट चालू नहीं हुआ। ओहो, मेरी यात्रा तो अधूरी रह गई। खूब घूम लिया लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, फिर मुझे कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट से बाहर ही खाना कब चालू होने का है? कब मैं खाना खाने के यहाँ कुछ खाने के लिए कब आऊँ? मेरी यात्रा यहाँ कब पूरी करूँ? कब या कब तक चालू होने का कैफेटेरियन गार्ड साहब? हाँ, अच्छा, चुनाव की वजह से मुझे भूखा रहना पड़ रहा है, आचार संहिता चल रही है इसलिए प्रोजेक्ट जहाँ है वहीं रोका गया, नए सेक्शन फंडिंग सेक्शन नहीं हो रही है। अब आचार संहिता है, चुनाव है, तो लोकतंत्र के इस उत्सव में हमें भूखा भी रहना पड़े तो क्या दिक्कत है? हम भूखे हैं, चुनाव खत्म होगा, गार्ड साहब ने मुझे एश्योर्ड किया है कि चुनाव खत्म होने के बाद मैं यहाँ बहुत सुंदर अच्छा खाना भोजन नाश्ता करने आऊँगा। धन्यवाद गार्ड साहब, थैंक यू।